ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आज सुबह राज्यपाल का आगमन हुआ। भारी भरकम काफिला जुबली हॉल पहुंचा, जिसके बाद मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधिशित की बैठक में पहली बार आने के अवसर पर राज्यपाल को काफी प्रसन्नता हो रही है। सीनेट के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट विदित जन होते हैं, जिनके सुझाव से ही विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। इस बैठक में हम न केवल चिंता बल्कि चिंतामन भी करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय का विकास एवं छात्रों का भविष्य बनता है। हमारा काम सिर्फ इस बैठक से पूरा नहीं होगा, बल्कि आज से हम लोग पुनः काम प्रारंभ करेंगे। विश्वविद्यालय ठीक रास्ते पर चले, इसका दायित्व सीनेट का है। सीनेट की बैठक प्रतिवर्ष दो बार होनी चाहिए, एक बैठक बजट पर तथा दूसरा शैक्षणिक एवं विकास के लिए होना चाहिए। उक्त बातें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर ने जुबली हॉल में आयोजित मिथिला विश्वविद्यालय के अधिशुद की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कुलाधिपति ने कहा कि शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारा स्नातक या स्नातक उत्तर क्या नौकरी मांगने वाले या नौकरी देने वाला बनेगा, यह चिंता का विषय है। आप जैसे विद्वान और अनुभव चेतना के धारक व्यक्तित्व का अधिशत की इस बैठक में उपस्थित होना हमारे सम्मान और प्रेरणा के पर्याय है। मैं माननीय कुलाधिपति जी को अधिशत की इस बैठक में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय कुलाधिपति का शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान उत्कृष्ट रहा है। इनके नेतृत्व में बिहार के विश्वविद्यालयों ने नया मुकाम हासिल किया है। आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता हम सबों के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत है। मैं माननीय कुलाधिपति जी से पुनः स्वागत और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसी क्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चौंथू, विशेष अधिकारी श्री पितेश देसाई, अधिशत के सम्मानित सदस्यगण, अभिशत के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुजन, देवियों, सज्जनों, आज की इस अधिशत की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।